सुप्रभात आप सभी को। आज हम योगा डे मनाने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। पता है हम लोग योगा क्यों मनाते हैं, योगा क्या है, पहले हम यह जानेंगे, उसके बाद हम योगा के तरफ बढ़ेंगे। जो योगा सेलिब्रेशन में करना है हमें, उसकी तरफ हम आगे बढ़ेंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष 21 जून को मनाया जाता है। यह दिन उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है और योग भी मनुष्य को दीर्घायु बनाता है। 21 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र के 177 सदस्यों द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाने का प्रस्ताव को मंजूरी मिली। भारत के इस प्रस्ताव को 90 दिन के अंदर पूर्ण बहुमत से पारित किया गया, जो किसी प्रस्तावित दिवस को संयुक्त राष्ट्र संघ में पारित करने के लिए सबसे कम समय है। योगा क्या है? योगा को अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। इसे प्राणायाम, योग भी कहते हैं। योग योग की एक शाखा है जहाँ बैठकर या अभ्यास किया जाता है। एक आध्यात्मिक प्रक्रिया जहाँ शरीर, मन और आत्मा संयुक्त होते हैं। यह शब्द हिंदू धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म में ध्यान की प्रक्रिया से संबंधित है। योग एक संस्कृत शब्द जो यूज में आया है, जिसका अर्थ है इकट्ठा होना, बांधना। योग अब चीन, जापान, तिब्बत, दक्षिण पूर्व एशिया और श्रीलंका के साथ साथ भारत में बौद्ध धर्म में फैल गया है और इस समय पूरे सभ्य दुनिया में लोग इससे परिचित हैं। अब आते हैं हम योग कब करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, तो इसकी भी जानकारी हमें होनी चाहिए। योग हम कभी भी कर सकते हैं, परंतु योग करने का समय सही समय सुबह या शाम के समय होता है। और अगर हम खुले वातावरण में प्रकृति के बीच में करते हैं तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं है तो फिर भी हम अपने घरों में भी कर सकते हैं। कोई भी शांत जगह पे, अच्छी जगह पे, कंफर्टेबल उस जगह पे हम योग कर सकते हैं। अगर किसी तरह का पेन है तो नहीं करना चाहिए और खाने के तुरंत बाद नहीं करना चाहिए। जितना हो सके अगर बिगनर हो आपको एकदम से स्ट्रेस नहीं देना चाहिए, एकदम से तनाव, एकदम से प्रेशर में नहीं करना चाहिए। उन्हें धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता आराम से करना चाहिए। जितना हो सके मिनिमम 30 मिनट करना चाहिए रोज दिन, 30 से 1 घंटा आप कर सकते 30 मिनट। या अगर आप कोई भी आसन अगर कर रहे हो तो उसको मिनिमम 10 से 15 सेकेंड आप होल्ड करिए, या अगर नहीं होता तो जबरदस्ती में करिए, धीरे धीरे आपकी कैपेसिटी स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। खाने के तुरंत बाद कोई भी आसन नहीं किया जाता है। खाने के कम से कम आधा से 1 घंटे बाद ही कोई भी आसन करें। कुछ ही आसन होते हैं जो खाने के बाद किया जाता है, जैसे सुखासन, वज्रासन, शवासन। ॐ गच्छावधनं सावधनं सहं वं मांसि जनातं देवं भागः यथा पूर्वसज्जनाना उपासते। अभी हम योग स्टार्ट करते हैं अपने।
एक आपको सबसे लेट हो जाएगा, बट आपको धीरे धीरे सूर्य भगवान के अवॉर्ड से सामने आपके पैर को फूट रहे हो, पूरा फ्लैट टच हो
Thank you.